मैं एडवोकेट विशाल कदम, मैं बीड से हूँ, महाराष्ट्र से। मैंने LLB की पढ़ाई की है ILS लॉ कॉलेज पुणे से, और मैं जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में काम करता हूँ। जस्टिस PB सावंत साहब ने जो लोक शासन आंदोलन की स्थापना की है, उस संगठन से मैं जुड़ा हूँ। आप किन किन मुद्दों पर काम करते हैं? हम राइट टू फूड और जो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है पूरे महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने का हम काम करते हैं। किसानों के लिए हम संघर्ष करते हैं, विद्यार्थियों के लिए हम काम करते हैं, मछुआरों का हमारा संगठन है। जो भी तबके में अन्याय अत्याचार होता है उनके लिए हम काम करते हैं। एक बार अपने ग्रुप का नाम बता दें। जी, हमारे ग्रुप का नाम है लोक शासन आंदोलन। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करें। तो आपने जो अपना कहते हैं ग्राउंड रियलिटी देखा, इसे बोल, हाँ, आपने जो अपना ग्राउंड रियलिटी देखा महाराष्ट्र में, आप अगर उसके बारे में बता सकते हैं कि राइट टू फूड का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे कैसा है और आपने क्या क्या देखा? जी, राइट टू फूड जो एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में 1 फरवरी 2014 से हो रहा है। इसके जो इसमें जो प्रावधान किए हैं, रूरल एरिया में 76% लोगों को और अर्बन एरिया में 50% लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके जो बेनिफिशियरीज को जो लिस्ट है वो प्रिपेयर अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं की है, और वो जो की है, जो लिस्ट प्रिपेयर की है, उसका पब्लिकेशन उन्होंने अभी तक गांव-गांव में, विलेज में जाकर उसका पब्लिकेशन नहीं किया है। इसके वजह से महाराष्ट्र के लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज हैं। इसमें एक बार आप ये भी बता सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे थी या सेंटर पे थी, एक बार आप उसे फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन करना, उसका पब्लिकेशन करना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस और उसके ऊपर हियरिंग लेना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से, जो तहसील ऑफिसर्स है उसके माध्यम से, इसका पूरा मतलब जो पब्लिकेशन है, उसका ऑब्जेक्शन प्रोसीजर है, वो सब इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक महाराष्ट्र में नहीं हुआ। तो आपने देखा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन के ना हो पाने के क्या क्या इम्प्लीकेशन आपने ग्राउंड में देखे? जी, ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशियरीज हैं, वो बेनिफिशियरीज को ही मालूम नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज हैं। इसके वजह से उनको रेशन दुकान में जब वो जाते हैं तो उनको वो रेशन दुकानदार बोलता है कि भाई तुम्हारा नाम ही नहीं है इसमें, तो हम आपको अनाज दे नहीं सकते, और राशन दुकानदार बोलता है इस महीने का आपको अनाज आया नहीं, वगैरह वगैरह। तो जब गरीब आदमी रेशन दुकान पर जाता है तो उसको अगर अनाज नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है उसके साथ, उसका अधिकार है उसको अनाज मिलना। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 रुपये किलो से गेहूँ, 3 रुपये किलो से चावल, प्रति आदमी 5 किलो ऐसा देने का फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रावधान है। उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से PDS के ऊपर कम दरों में शुगर की अवेलेबिलिटी करके देता था, केरोसिन भी अवेलेबल करता था, उसके बाद खाद्य तेल और दालें का भी उसको अवेलेबल किया जाता था। लेकिन जब से ये मोदी गवर्नमेंट और ये हमारे महाराष्ट्र में फडणवीस साहब की जो गवर्नमेंट आई है, तब से PDS के ऊपर जो मिलने वाली शुगर है, केरोसिन है, ये सब बंद कर दिया गया है, और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो मिलने वाली जो चावल और गेहूँ है, इसके बेनिफिशरीज के लिस्ट पब्लिकेशन ना होने के कारण उनको उन तक भी ये अनाज नहीं जाता है। अगर किसी को कंप्लेन करना है तो ये कंप्लेन कहाँ पर करनी चाहिए, इसके लिए उसकी अवेयरनेस नहीं की है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रावधान है कि हर तालुका में एक फूड सिक्योरिटी ऑफिसर होना चाहिए। ये कंप्लेंट वाला पार्ट में एक बार अलग से पूछूं, उससे पहले चूंगा, जैसे कि आपने बोला कि 2014 से ये है, उससे पहले क्या प्रोविजन था, एक बार आप वो बता दें, और 2000 आने के बाद ये क्या प्रोविजन है, क्या नंबर ऑफ बेनिफिशरीज में इससे कोई फर्क पड़ा? 2014 से पहले हमारे देश में जो PDS सिस्टम था, उस PDS सिस्टम में BPL के लोगों को शुगर दी जाती थी, केरोसिन दिया जाता था, बाद में उसको खाद्य तेल भी दिया जाता था, और गेहूं और चावल भी दिया जाता था। लेकिन 2014 में जैसे ही सरकार बदली तो सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज का पब्लिकेशन तो किया नहीं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन सिस्टम भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन जो मिलने वाली शुगर थी BPL के लोगों को, जो केरोसिन था, जो खाद्य तेल था, वो सब बंद कर दिया है। और ये सरकार 2014 से आई है, तब से गरीबों को शुगर मिलती नहीं, खाद्य तेल मिलता नहीं, और दालें भी मिलती नहीं। तो 2014 में जैसे आप बोल रहे हैं मोदी सरकार पे आप बोल रहे हैं, इससे पहले के इम्प्लीमेंटेशन अच्छा था? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन पहला अच्छा था ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि पिछले सरकार ने भी फूड सिक्योरिटी के जो बेनिफिशियरीज थे उनका पब्लिकेशन नहीं किया था।
और बेनिफिशियरी कोई मालूम नहीं था कि हम बेनिफिशियरी हैं, और जो 2014 के पहले सिर्फ बीपीएल वालों को ही मिलता था, तो बीपीएल की जो लिस्ट है वही ठीक से बनी नहीं थी। जो गांव में पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिकली पावर हो गए, इकोनॉमिकली पावर हो गए, जो सत्ता में है उनके ही नाम बीपीएल में थे। जो गरीब लोग थे, जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज होने चाहिए थे, वो बीपीएल लिस्ट में नहीं थे। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के वजह से जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उनको अभी उस लिस्ट में उनको इंक्लूड करना चाहिए। उनको इंक्लूड किया गया है, उसमें भी कुछ गफलतें हैं, लेकिन वो जो इंक्लूड किया गया है उनको भी अभी तक मालूम नहीं है। तो हम जो महाराष्ट्र में अभी मूवमेंट चला रहे हैं, वो हम गांव-गांव में जाते हैं। हमने आरटीआई के तहत ये बेनिफिशियरीज के लिस्ट गवर्नमेंट से ली है। हम गांव में जाते हैं, वो बेनिफिशियरीज को बताते हैं कि आप बेनिफिशियरीज हो, अगर आपको अनाज नहीं मिलता है, धान्य नहीं मिलता है, तो आपको कंप्लेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने एक पीडीएस पोर्टल बनाया है, उसके ऊपर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। उसके लिए टोल फ्री नंबर भी है, उस लाइफलाइन नंबर, उसको उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी बनाया है, उसके ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं। और इसमें जो कंप्लेन आती है उसको कंप्लेन करने वालों को भी न्याय नहीं मिलता है। उस चीज़ को भी मैं एक बार करना चाहूँ, उससे पहले क्या था कि जो आपने बोला कि जो ये राइट टू फूड एक्ट है, इसमें यह है कि ऑलमोस्ट 76% रूरल पॉपुलेशन, और आपने कितना बोला 76% पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया एंड 50% पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया। हाँ, तो उसका जो ये क्राइटेरिया है, जो ये नंबर है, ये परसेंटेज है, क्या ये ऑल इंडिया बेसिस पे है या ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए? पहला वो, और दूसरा ये कि जो उस 76% में कौन कौन आएगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जी, 76% पॉपुलेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइंस दी है कि 76% पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरिया लिविंग बिलो 20 रुपीज़ पर डे, ऐसा अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट था, और वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। PUCIL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 76% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये एलिजिबल है, फंडामेंटल उनका राइट है, राइट टू फूड इज़ अवर फंडामेंटल राइट, और 50% पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। और इसके जो बेनिफिशियरीज की जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट ने तैयार करने, जो अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना के जो पुराने 2012 में जो क्राइटेरिया थे, वही क्राइटेरिया यहाँ पर फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज को लगाए गए थे। और उसके तहत जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में अगर जिस गांव की लोक संख्या जितनी भी होगी उसको बेस मानकर 76% पॉपुलेशन रूरल एरिया का और 50% पॉपुलेशन अर्बन एरिया का, उसको फूड सिक्योरिटी एक्ट में मर्ज किया जाए, ऐसा प्रावधान फूड सिक्योरिटी एक्ट में है और उसके रूल्स में भी है। अच्छा, जैसे आपने बोला सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस था जी, उससे फूड इम्प्लीमेंटेशन, फूड राइट टू फूड एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में कोई मदद मिला आपको अगर पता हो कुछ? देखिए, अब जो 2011 का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, वो कैसे हुआ वो सब पूरे देश में मालूम है, उसका अभी तक पब्लिकेशन नहीं हुआ है, वो अभी तक फेल ही है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसमें जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, जिस गाँव का पॉपुलेशन 1000 है, उस गांव के 760 लोगों को उसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए, अर्बन एरिया में 50% लोगों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए, उसका जो पॉपुलेशन का जो बेस है वो कंसिडर करने के लिए बोला था। बाकी जो वो सेंसस कैसा हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता।